महिला के लिए अलग अलग पुरुष के लिए आप देखिए महिला और पुरुष एक में कैसे गए, इसलिए मैंने घोषणा किया कि दो महिला के लिए शौचालय और दो पुरुष के लिए शौचालय। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पंद्रह सेलिंग एकदम आपको दो दिन के अंदर तीन दिन टीचर से ये सवाल भी है। आप लोगों ने जो प्रधानाध्यापिका दी, आपने जो हमसे मान किया, मैं अपने MLA कोटा से इन तमाम कार्यों को पूरा करने के लिए कर्म ही पूजा है। ये पूजा कर्म वाला मैं करूंगा। गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, अगर तुम्हारा कर्म सही होगा तो फल निश्चित है। मैं कर्म करता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दाढ़ी बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, भगवान बुद्ध अमर है, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। धन्यवाद, बहुत 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 प्यारी चौधरी का आगमन हुआ है और यहाँ स्कूल का भी थोड़ा असुरक्षित है, शिक्षिकाओं का द्वारा बगल में है, इसकी संचालिका मैं ही हूँ। विद्यालय में मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके समाधान हेतु बिहार विधानसभा का अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी ने, जो कि सदर सिवान के विधायक भी हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि इस विद्यालय के विकास के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, तत्पर हूँ। तो आइए बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष जी क्या कुछ कह रहे हैं और इस विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा क्या कुछ मांग पत्र सौंपा गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर। इस विद्यालय के जो राजकीय DAV मध्य विद्यालय सिवान है, जो दाढ़ी बाबा की जमीन में और दाढ़ी बाबा के द्वारा स्थापित है और उन्होंने इसमें प्रधानाध्यापक का काम किया, यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएं और राजदेव बौद्ध जी और यहाँ के सभी सीनियर शिक्षकों ने, प्रधानाध्यापिका ने मुझे समय लिया था, एक बार आइए और DAV मध्य विद्यालय के स्थिति को देखिए। तो मैंने एक मिनट भी देर नहीं किया, मैंने कहा कि मैं 24 तारीख को आऊँ और मैं पर यहाँ पर आया हूँ। इन लोगों ने हमसे अपने समस्या को सुनाया, लिखित भी दिया और मैंने इनके जो समस्या है ये पॉइंट है, आपको विद्यालय में दो महिला के लिए शौचालय अलग और दो पुरुष के लिए शौचालय। तो मैंने कहा और तो ये समस्या दिए। इसके बाद से शुद्ध पेयजल हेतु चापाकल चाहिए। फिर इन लोगों ने कहा कि बिजली कनेक्शन नहीं है, अप्लाई किए हैं। मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को बुला करके मैं कनेक्शन करवा दूँगा। फर्श निर्माण नहीं है, मैंने कहा कि फर्श को भी ठीक ठाक करवा दूँ। और 250 जोड़ी बेंच, तो उस जोड़ी बेंच को, हालांकि जोड़ी बेंच वगैरह मैं नहीं देता हूँ, समझे ना, आप पुस्तक के लिए किसी को नहीं लिखता हूँ कि हम पुस्तक लिख रहे हैं। इसके बात को मैं बहुत गहराई से जानता हूँ ढेर दिन से, पर भी यहाँ आया हूँ, इन लोगों ने मांग किया है। मैं समझता हूँ मिसयूज नहीं होगा और ना मैं मिसयूज होने दूंगा, इस चीज़ को भी देने का घोषणा किया। आप 5 सीलिंग फैन, 15 सीलिंग फैन, तो 15 सीलिंग फैन को भी घोषणा किया। आई सीलिंग फैन जो है लगना शुरू हो जाएगा। आ किचन सेट,
किचन सेट तो जब मिड डे मील बनता है तो उसके ऊपर किचन का एक वो सेट लगे रहना चाहिए। नहीं लगा है, उसको भी मैं लगवाऊंगा। तो इन लोगों के जो मांग थे उसको जितना मांग है मैं घोषणा कर दिया कि आपके द्वारा जो मांग किया गया है उस मांग को मैं पूरा करूंगा। और मैंने घोषणा किया कि 50,000 रुपया अपने विवेकानुदान से इस कॉलेज इस स्कूल को मैं मार्च जो बजट हमारा हो रहा है उसके बाद बजट पास कर देंगे, पैसे आ जाएंगे और उतना रुपया जो यहाँ के प्रधानाध्यापिका है उनसे इनका सरकारी अकाउंट ले लूँगा और उसमें विधानसभा से पैसा भेजूँगा और डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग कर देंगे, यूटिलाइजेशन हमको दे देंगे, फिर हम विधानसभा में। सर, सरकारी विद्यालय में गरीब कमजोर मजबूर तबके के बच्चे पढ़ते हैं और आप एक बहुत ही संवैधानिक पद पर हैं, पावरफुल शख्सियत हैं, आपको आने से अभिभावक भी बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो ये तमाम जो गरीब परिवार से आने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावकों से क्या कुछ कहेंगे? अभिभावक लोगों से यही कहेंगे कि आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किया, आप 15 बरस हमको हराने का काम किया, तो 15 बरस जो आप लोगों ने हरा कर हमें घर बैठा दिया तो विकास क्या हुआ 15 बरस में वो तो तमाम उसका फैसला है आप लोग करेंगे, लेकिन हमको आप लोगों ने गरीब गुरबा अमीर और सभी वर्ग के भाई हमको इस बार जिता दिया। आज जिता दिया तो हम खाली MLA ही हमको नहीं बनाया, हमको जो है एक संवैधानिक पद पर बैठने का अवसर बिहार विधानसभा लोगों ने दिया और निर्विरोध हम बिहार विधानसभा के स्पीकर बने। तो जो शिक्षण संस्थान में जो आवश्यकता इन बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में माने बेहतर प्रदर्शन हो के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होगी सरकार से भी कहूँगा और अपने स्तर से भी हम करने में कभी पीछे नहीं रहूँगा। सिवान का सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण का मतलब सारे क्षेत्रों का विकास होगा। अवध बिहारी चौधरी डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहे हैं कि हम इसके लिए एकदम बिल्कुल शहर से देहात तक काम करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और चाहेंगे अभिभावकों से कि आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। तो अभी हमारे साथ बहुत आचार्य जी जुड़ चुके हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अवध चौधरी जी का आगमन हुआ था इस स्कूल में, इस प्रांगण में, राजकीय DAV मध्य विद्यालय में, जहां पे आज कई योजनाओं के तहत उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां पे जो गरीब असहाय के छात्र यहां पढ़ाई करते हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर भविष्य मिल सके। क्या कुछ कहेंगे, आज बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था, किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज 24/11/2023 ऐतिहासिक दिन हो गया जी। प्रथम बार कोई विधायक या विधानसभा का अध्यक्ष इस प्रांगण में आया और जितना विद्यालय का मांग था जो लिखित में दिया गया उसे भी हट करके हमारे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी ने दिया। इसलिए सिवान की धरती मंगल कामना करती है कि दिन दुनी रात चौगुनी हमारे बिहार विधानसभा अध्यक्ष आगे बढ़े और विद्यालय आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में इसका ऐतिहासिक नाम है और बहुत बड़े बड़े लोग इसके प्रधानाध्यापक रहे, तो पूरे विद्यालय की तरफ से और मैं सर का इनवाइट किया था और उन्होंने समय पर आए और जितनी मांगे थे दिया, तो बहुत प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। मतलब जो आप लोग का मांग था उससे परे भी उन्होंने मांग उन्होंने 50,000 रुपया जो है अपने जी मैंने अपने जो उनको कोर्स मिलता है तो अगला जो सत्र शुरू होगा उसमें उन्होंने कहा कि हेडमास्टर के खाता जो सरकारी है उसमें 50,000 रुपया अपने विवेकानंद जो फंड होता है विवेक जी जो विवेक से देते हैं वो उन्होंने दिया, तो जितना मांग था उसे हट करके उन्होंने दिया। इससे खुशी क्या, ज्यादा खुशी है हम लोग। यानी कि अब जो गरीब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको बेहतर भविष्य मिल पाएगा, एकदम मिल पाएगा, बहुत मिल पाएगा। अब 250 जोड़ी जो बेंच जाए उन्होंने दिया तो हमारे बच्चे जो भुइयां बैठते हैं जाड़ा के दिनों में जमीन पर वो बेंच पर बैठेंगे तो और उत्साह बढ़ेगा पढ़ने में। आप हमेशा से एक्टिव रहते हैं और शिक्षा को लेकर हमेशा आप अग्रेसिव हैं। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था कि जो शिक्षा का शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा,
इस कथन में कितनी बड़ी सच्चाई निकल के आ रही है। बाप रे बाप, आज मान ली कि देखिए इस विद्यालय का जो है प्रधानाध्यापक का, देखिए उसने लिखा है शिक्षा वो सबने का दूध है जो पिएगा, वही दाह रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा जी। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये स्लोगन नहीं दिए होते हैं तो आज महादलित परिवार जो आप जानते हैं अनुसूचित जाति की महिला इस इतना बड़े विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनी है, उस शिक्षा का ही तो देन है। एक एक सवाल सर है कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अनुसूचित जनजाति का एक नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर एक जो जनता है उनके नेता थे। आज महिलाएं पुरुष जो हक का आवाज़ बन रहे हैं, आज बिहार में चाहे हिंदुस्तान में जो महिलाएं आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं उसमें उनमें बहुत बड़ा एक उनका हाथ था। ये जो कहता है कि अम्बेडकर केवल अनुसूचित जाति के लीडर थे वो उसको ज्ञान नहीं है जी। संत और महापुरुष सबके लिए पैदा होकर आते, जैसे सूर्य है जी, वो मुसलमान के भी है हिंदू के भी है सारे धर्म के लोगों को है, कहीं अंतर नहीं करता, तो उस सूर्य के समान सभी संत महापुरुष होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान लिखे हैं तो उस संविधान में जो महिला को आरक्षण मिला, चाहे महिला को अपने पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार मिला, उसमें कहाँ लिखा है कि केवल दलित महिला को ही मिलेगा, असवर्ण महिला को नहीं मिलेगा, सबके लिए उन्होंने काम किया है। तो जो जानेगा वही वैसा कहेगा, जो नहीं जानेगा वैसा कहेगा, ऐसी बात नहीं। चलिए तो हमारे साथ बौद्ध आचार्य जी रहे हैं, पूरा नाम आपका क्या है एक बार हमारे दर्शकों। राजदेव बौद्ध हुआ, मैं भारतीय बौद्ध महासभा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिहार का प्रथम बौद्ध आचार्य हूँ जी, और समाज में करीब करीब 42-43 सालों से समाज को जोड़ने का मैं काम करता हूँ, तोड़ने का काम नहीं करता। चलिए बगल में आपके साथ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है, इस विद्यालय के सहायक शिक्षक हूँ जी। अपना नाम बता दीजिए। मैं मनमोहन आजाद हूँ जी, यहाँ के निजी विद्यालय में अध्ययन कराता हूँ। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मैं उषा कुमारी, राजकीय हिम्मत विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं हो। आज सिवान की पहचान एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्कूल मध्यम विद्यालय बन चुका है, आपका प्रयास काफी अच्छा रहा, हमारे बौद्ध आचार्य जी यहीं पे हैं। और सबसे बड़ी बात है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी का आगमन इस प्रांगण में हुआ, इन्होंने एक बात कहा कि जब से स्कूल ये ओपनिंग हुआ है अब तक कोई विधायक एमपी इस प्रांगण में नहीं आया था, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं कि एक संवैधानिक पद पे वो विराजमान है और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका आगमन हुआ, और जो आप लोग का मांग भी था उससे मांग को परे भी उन्होंने कर दिया, कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी है हमें जी कि आज उन्होंने हमारे विद्यालय में पधारे और इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने हमारे मांग पत्र को स्वीकार किया और यहाँ के विद्यालय के कल्याण के लिए वो स्वीकार करके गए हैं। चलिए मैडम सम्मानित कर रही हैं जो इस... और मैं सम्मानित करूंगी क्योंकि उनका यदि पग यहाँ आया वो इसलिए पधारे जिसमें उसमें इनका सबसे बड़ा भूमिका है, इनका योगदान है कि इनके मने सहयोग से आज मैं इस कार्य पूर्ण कर पाई। तो देखिए बौद्ध आचार्य जी को और मैडम जो यहाँ की प्रधानाचार्य जी हैं वो सम्मानित कर रही हैं गुलदस्ता देकर, बुके देकर, जी सबका सम्मान है, कितनी खुशी हो रही है सर। अरे तो अब क्या कहेगा, ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन भुलाने वाला नहीं है। हाँ। जो हम लोग नहीं चाहते थे वो हाँ मैडम। हाँ। और कस्तूरबा गांधी में भी सर ने जो है जो मांग हमारे यहाँ के वार्डन रखी थी जी मैडम, कस्तूरबा गांधी के जी वार्डन बगल में आपका स्कूल है कस्तूरबा, मैंने कस्तूरबा गांधी की मैं संचालिका हूँ, ये वार्डन है, हमारी 100 बच्चियाँ यहाँ रहती है, उसके लिए भी मैंने सर से मांग किया कि वहाँ लाइट लगनी चाहिए क्योंकि हम काफी इधर अंधेरा रहता है, और सुरक्षा का दृष्टिकोण से मैंने सर से ये भी मांग रखा है। और इस तरह के कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में उत्साह का संचार होता है और शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी अभिरुचि बढ़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर रायदेव बौद्ध जी ने कहा कि इस विद्यालय में मूलभूत जो समस्याएं हैं खास करके जो आधारभूत संरचना का अभाव उसको दुरुस्त करने के लिए उन लोगों ने आज संकल्प लिया, और बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने आज मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा कि हमारे चूंकि विधानसभा क्षेत्र में भी आता है और जो यहाँ पर समस्याएं हैं उसका हर संभव समाधान होगा, ये उन्होंने वचन दिया है और मीडिया के सामने उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। देखना होगा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष इस पर कितना खरा अध्यापिका मिली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के राजकीय डीवी मध्य प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पे मैडम के माध्यम से आज बहुत बड़ा एक आगाज किया गया है सिवान की धरती पे। सिवान की धरती पे माननीय अद्वे चौधरी जी का आगमन हमेशा रहता है और उन्होंने कह दिया कि इस स्कूल के प्रांगण में हमारी जो उपस्थिति रही एक बेहतर रही और हम इस स्कूल के विकास के लिए हमेशा से अव्वल रहेंगे, और उन्होंने कई ऐसे योजनाओं के तहत
यहाँ पे योजना दिया है और मैडम प्रधानाचार्य हैं, बहुत आचार्य हैं और सर जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं दुर्गा राय प्रसाद महाविद्यालय के कॉलेज के हैं और जो उनका भी आगमन हुआ है, बगल में सर भी हैं, मैडम भी है, कई ऐसे बच्चे भी आज प्रोत्साहित हुए हैं, बच्चे भी गौरवान्वित हुए हैं जो कि आज अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैडम कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को इतना बड़ा? बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत थक गई थी यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में करके परेशान थी। यहाँ बहुत सारी संसाधनों की कमी है, यहाँ बेंच की कमी है, यहाँ शौचालय की कमी है, यहाँ आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ चार दीवारी की भी आवश्यकता है क्योंकि बाहर से भी कुछ बाहरी बच्चे फांद करके आ जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से मैं डेली 8 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं जी, 1 से लेकर के अभी जो माननीय अध्यक्ष जी आए थे उन्होंने मतलब 50,000 रुपए देने का वादा भी किया है जी, और उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए अलग शौचालय और महिलाओं के लिए अलग से जी जी, यानी कि ये कब से काम लग जाएगा? अब सर जब से हमें दे दे जब से वो दे जब से सर ये अनुमान है सर काम तो बोला है कि पंखा लग जाएगा। हाँ। 15 को पंखा का जो मांग किया गया है चलिए कल पंखा कल लग जाएगा और हमको आशा है कि जो घोषणा करते हैं वो एकदम पूरा कराते हैं, करते हैं। कम समय में ही ये पूरा हो जाएगा। ठेकेदार भी आया हुआ था, कल आएगा आप देखने उखने के लिए, तो काम हम कर देते हैं, विश्वास है कि बहुत जल्दी। आप यहाँ का पता नाम बता दीजिए। मैं उषा कुमारी राजकीय डीएवी मध्य विद्यालय की पठाना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत जब आइए हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सर का मैडम का इंटरव्यू तो हो चुका है, आप भी इंटरव्यू दिए हैं कई चैनल पे, हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहना ये चाहूँगा, सबसे पहले आपके चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जहाँ भी विधानसभा अध्यक्ष महोदय या कोई भी सम्मानित पद पर संवैधानिक पद पर काम करने वाला व्यक्ति हो अगर किसी तरह की घोषणा करता है तो उसको कवरेज करने का और तवज्जो देने का काम आप जरूर करें, ताकि जब ऐसे लोग संवैधानिक पद के लोग बिल्कुल वहाँ जहाँ स्थल पर जिस चीज की जरूरत है वहाँ जाकर के घोषणा करेंगे तो उसमें वादा खिलाफी नहीं होगी और जनता की जो आवाज़ है, जनता की समस्या है, उससे वो लोग रूबरू होंगे और उस समस्या का समाधान इमीडिएटली करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय और बिहारी चौधरी जी जिनके कॉलेज में अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और वो जो भी काम कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और सिवान में यह देखा गया है कि जब जब इनका कार्यकाल रहा, जब भी वो चैनल वालों ने पूछा कि साहबुद्दीन साहब के बारे में क्या बोलेंगे, हमने कहा कि साहबुद्दीन साहब को विकास पुरुष कहा गया और उस कड़ी में और बिहारी चौधरी जी और सांसद साहब ने मिलकर के सिवान का सर्वांगीण विकास किया, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, और आज भी मरहूम सांसद नहीं है साहबुद्दीन साहब, लेकिन उनका विकास बोलता है जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, और बिहारी चौधरी जो है वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है और आज भी उनके जो शालीनता है, जो सादगी है, जो हिंदू मुस्लिम के एकता का पैगाम वो देते हैं वो बरकरार है, उस स्टैंड पर कायम है और वो जो है और विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूँ कि इस विद्यालय का कायाकल्प हो जाएगा। उषा कुमारी जी ने और भाई राजदेव भाई ने दोनों ने मांग किया सर से कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्कूल है और मूलभूत समस्याओं से बिल्कुल दूर है, तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने घोषणा भी कर दिया सहर्ष कहा और कहा कि कल ही जो है वो बिजली के पंखे लग जाएंगे और जितना जल्दी हो सकेगा काम को पूरा कर लिया। धन्यवाद।